Hey guys, hello everyone and welcome all of you. आज आपसे कोई एकेडमिक बात करने के लिए नहीं, एक बहुत ही जेनरिक बात करने के लिए मैं मिल रहा हूँ. मेरा नाम डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा है. आप में से जो लोग ऑलरेडी मुझसे मिले हुए हैं यूट्यूब सेशंस और पेड क्लासेस के थ्रू, आप जानते हैं मैं आप लोगों को JIB और CIB के लिए मेंटोर करता हूँ. ऑलिव बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन और हम सब मिलकर आपके लिए समय समय पर कुछ ऐसे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ YouTube के थ्रू लाते हैं जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए, या आप अपनी प्रिपरेशंस को लेके अगर अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या इतने दिनों में हो जाएगा, एग्ज़ाम कब है, फॉर्म कब से भरने होंगे, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, कैसे प्रिपेयर करें, क्या ऑफिस आवर्स के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके के काफ़ी आपके मन में जो सवाल चलते हैं उनके लिए हम अलग अलग समय पर आप लोगों के लिए अलग अलग सेशंस लाते हैं. और उन्हीं में से एक सेशन आज ये है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो आज जो बात हम करने वाले हैं दोस्तों वो है, एक इंफॉर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं और फिर इसको आगे लेते हुए चलेंगे. आप लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम जुलाई में है और उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू होने वाली है आपकी 7 मई से. आज जिस दिन आप इस सेशन को देख रहे हैं 10वें दिन आज से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा. और मैं जानता हूं आप में से काफ़ी लोग उसके बाद अपनी प्रिपरेशंस को शुरू करने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा डबल इंक्रीमेंट है. IIBF is going to be very serious this time in the preparation of the paper and all. And जब से double increment वाला perspective इसमें जुड़ा है, काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो next upcoming exam होगा like in the December, इस जुलाई के बाद जो December वाला cycle होना है उसमें काफ़ी probability है कि negative marking जो है आपके इस examination pattern में add की जा सकती. सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी साथियों के लिए जो CIB प्रिपेयर कर रहे हैं या CIB प्रिपेयर करना चाहते हैं. 7 मई आपका फॉर्म फिल होना शुरू होगा. जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो सबसे बड़ी चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि क्या इस रिमेनिंग टाइम पीरियड में प्रिपरेशन हो सकती है. सो आई अश्योर यू कि इस रिमेनिंग टाइम पीरियड में प्रिपरेशन बड़ी आसानी से हो सकती है, जिसमें चारों पेपर और इलेक्टिव पांचों पेपर की प्रिपरेशन हो सकती है. लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सिस्टमैटिकली चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा. कैसे कर सकते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे. ये आपकी डेट्स हैं एग्जाम की. 7 जुलाई आपका ABM फर्स्ट पेपर होगा. उसके बाद आपको एक हफ्ता मिलेगा जिसमें आपका BFM का पेपर आप प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर ABFM के पेपर के लिए आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, दैट इज 14 जुलाई. ABFM जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूसली पेपर है. 21 जुलाई आपका BRBL का पेपर है, लॉ वाला पेपर है. एंड 27 जुलाई आपका इलेक्टिव पेपर है. ओवरऑल आप देखिए लगभग 20 दिन आपका ये एग्जाम साइकिल चलने वाला है. और आज से भी अगर आप इसको टोटल लगाते हैं तो 7 जुलाई आपके पास मई पूरा है, आपके पास जून पूरा है. अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपके पास 60 से 70 दिन का समय बचता है आज से भी अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो. अब डबल इंक्रीमेंट का सवाल है, JIB से एक लेवल ऊपर का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, और आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जब IIBF आपसे ये पेपर पूछेगा, जब भी ये एग्ज़ाम में आएगा, तो एक लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इसमें हमेशा एड ऑन रहती है. सो कैसे प्रिपेयर करना है उस पर जाने के पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है. अभी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है. सो एग्जाम पैटर्न को अगर हम क्लासिफाई करें, किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
उनको अलग अलग कैटेगरी में मैं आपके लिए डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आप जानते ही हैं, एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हो 100% ऑफ योर पेपर विल नॉट बी ऑफ द एमसीक्यू नेचर। सर्टेन पोर्शन जो होगा वो आपका विदाउट ऑप्शंस भी आएगा, ऐसा सीआईबी में पैटर्न पिछले अटेम्प्ट से ऐड किया है। सो कुछ आपको देखने मिलेंगे न्यूमेरिकल, कुछ आपको देखने को मिलेंगी केस स्टडी, और कुछ आपको देखने को मिलेंगे दैट मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, दैट स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है करेक्ट दिखेंगे। ए एंड बी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट। आपको एक टेबल दे दी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि टेबल ए को टेबल बी के साथ मैच करके करेक्ट सीक्वेंस आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके के चार कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये जो दो कैटेगरी है इनमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑप्शंस नहीं होंगे, विदाउट ऑप्शंस ये क्वेश्चंस होंगे, और किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है, कॉन्सेप्चुअल ग्रिप जो है कंटेंट पर, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जेआईबी के मुकाबले में आप मान के चलिए 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा आपका कंसेप्ट पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह थोड़ा सा आपको कहानी में घुमा के आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक डिटेल में पढ़ा और समझा हुआ होगा। सो एमसीक्यूज के लिए भी आपका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। ये हुई हमारी एग्जाम पैटर्न की बात। मोटे मोटे तौर पे विदाउट ऑप्शंस जो है वो आपको 20% पेपर का हिस्सा मिलेंगे देखने को। सो डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये, लेकिन ये उन्हीं के लिए आसान है जिन्होंने कंसेप्चुअल पकड़ जो है पहले बहुत अच्छे से की हुई है, तो फिर आंसर निकालना या क्वेश्चन सॉल्व करना बिकम्स वेरी इजी। नाउ प्रिपेयर कैसे करें शॉर्ट टाइम पीरियड में? लगभग आज से भी आप देखेंगे यू हैव 70 डे, 70 दिन है आपके पास, और सबने चक दे इंडिया देखी है और आप सब जानते हो वहां 70 मिनट का डायलॉग था और यहाँ 70 दिन के लिए मैं कह सकता हूँ ये 70 दिन है, एंड ये 70 डेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसमें जाएंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज रिक्वायर्ड है, वो है सिस्टमैटिक टाइम बाउंड स्टडी। और जब हम प्रिपेयर करते हैं तो क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है, जैसा मैंने कहा टाइमलाइन आपकी सेट होनी चाहिए, यू नीड टू हैव अ फिक्स टाइमलाइन कि हाँ मेरे पास 70 दिन है और मुझे इन्हीं 70 डेज में मेरे पांचों सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं। एग्जीक्यूट करना, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, 10 10 दिन के, 15 15 दिन के, 20 20 दिन के टारगेट बनाइए। 10 दिन का जो टारगेट आप बनाए वो आपने अचीव किया या नहीं चेक कीजिए उसको, अचीव नहीं हुआ है तो कहाँ वेरिएशन है मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आप जो डिफरेंस रह गए कैसे कवर किया जा सकता है। कंसिस्टेंट रूटीन होना चाहिए, हमें भी पता है मॉर्निंग 9 AM के पहले और इवनिंग 6 PM के बाद ही आपके पास समय है, सो आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि मुझे 4 आवर्स तो देने ही देने हैं टू स्टडी, 4 आवर्स टू स्टडी ऑन डेली बेसिस। और जिस दिन मेरा ऑफिशियल ऑफ है
जिस दिन ऑफ है, जिस दिन छुट्टी है, अगले 70 दिन तक वो छुट्टी मुझे पूरी तरह से डेडिकेट करनी है अपनी प्रिपरेशन को। एंड जिस दिन आपकी, अगर हम 70 डेज का टोटल देखें तो लगभग लगभग 7-8 छुट्टियां आपको मिलेगी, और उन 8 डेज की छुट्टियों में अगर आप 12 आवर्स डे भी डेडिकेट करेंगे, आप कुछ नहीं करना, 4 घंटे तो आप कर ही रहे थे, 9 to 6 का जो आपका 9 आवर्स का ऑफिस था उसको आप कहाँ डेडिकेट कर दीजिए, अपनी स्टडीज में जिस दिन आपका वेकेशन। दिस विल गिव यू 96 आवर्स जो कि बहुत अच्छे से काम आएंगे आपके रिवीजन के लिए। अपनी सबसे जरूरी है, अगर आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही सारी चीजें हो पाएगी। सो इसको आप बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रखिए, दैट वी शुड पे अटेंशन टू आवर हेल्थ ऑल्सो। दिस इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ चीजें एक बार पढ़ लेना काफी नहीं, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपके साथ रहूंगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, और एग्जाम डे के दिन आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है। कवर क्या-क्या करना है सर हमको, अगर हमें प्रिपेयर करना है? कंटेंट आपको कवर करना पड़ेगा। पांचों पेपर में आपका जो आईआईबीएफ रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल है, उस आईआईबीएफ रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल को किस तरीके से समराइज्ड वे में आप कवर कर सकते हैं, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। ये पूरा फोकस आपका कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप मैक्सिमम कितने घंटे दे सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये आपने कह तो दिया कि आईआईबीएफ का स्टडी मटेरियल, अब वो मैकमिलन की बुक उठा के देखते हैं, 5 किताबें देखेंगे तो वो तो बहुत करीब 4-5 हज़ार पेजेस का स्टडी मटेरियल जिसमें सिर्फ कंटेंट है और कुछ नहीं है, तो हम कैसे कवर करेंगे? तो अभी बात करेंगे उसके लिए कि आप इसे कैसे कंसेप्चुअली कवर कर सकते हो समराइज्ड मैनर में। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। सीआईबी के एग्जाम में और जीआईबी के एग्जाम में मेजर डिफरेंस यही है कि वहां पे अगर कंसेप्ट 60-70-80% भी है तो चल जाएगा, यहाँ आपको 100% आपका कॉन्सेप्चुअल कवरेज होना बहुत जरूरी है। कितने घंटे दे सकते हैं सर हम? 70 दिन में अगर हम एक 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 कैलकुलेशन अगर मैं लगाता हूं, 70 डेज आपके पास हैं, इन 70 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज, जिसमें आपकी छुट्टियों के दिन आपको 10 to 12 आवर्स भी मिलेंगे, एग्जाम वीक में भी आपको टाइम मिलेगा, सो मैं एक ऑन एन एवरेज अगर 5 आवर्स भी लेके चलता हूँ, और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, यू हैव 350 आवर्स टू प्रिपेयर। इस 350 आवर्स में से कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ पे आपको कितना टाइम लगाना है? कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ पर आपको टाइम लगाना है, अगर मैं एक पेपर, एक सिंगल पेपर की अगर मैं बात करूं तो 25 आवर्स आपको देने हैं। हम 4 पेपर लेते हैं जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्जामिनेशन वीक है, एक हफ्ते की छुट्टी मिल रही है आपको, वहां मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम शेड्यूल दिखाया, देखिए मैं फिर दिखाता हूं आपको, ये जो 7 दिन मिल रहे हैं ऑप्शनल पेपर को सिर्फ यही पढ़ेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे ऑप्शनल पेपर को समय नहीं देना। सो 100 आवर्स, इस 350 आवर्स में से 100 आवर्स आपके कहाँ चले गए? कंटेंट की प्रिपरेशन में चले गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्योंकि इसी तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो हम, और 80% पेपर एमसीक्यू से आना है तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, लगभग 30 × 4 120 आवर्स हम देंगे हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अब कंटेंट कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, लेकिन हमेशा एग्जाम में जाने के पहले एक क्विक रिवीजन होना जरूरी है, और ये जो क्विक रिवीजन है ये लगभग, जिसमें आप
कंटेंट भी करेंगे अपने एमसीक्यू के कंटेंट को भी रिवाइज करेंगे। इसमें लगभग आपको जो है 100 आवर्स यहां देने हैं, लगभग 25 x 4 एक पेपर को, 25 आवर्स x 4। यहां पे हमने सिर्फ कंटेंट कवर किया था 100, यहां रिवीजन विच इंक्लूड्स द एमसीक्यू आल्सो, टेस्ट लगभग हर एक सब्जेक्ट के आपको मिनिमम मान के चलिए 5 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, लगभग 5 to 6 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। फाइव तो देने, देखो हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको बताता हूं टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे आपको रखनी है। हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 2 3 4 मॉड्यूल कितने हैं, सब में चार चार मॉड्यूल है, सो चार चार टेस्ट तो आपको देने हैं मॉड्यूल वाइज, प्लस लगभग 3 मॉक लगाने हैं आपको हर एक सब्जेक्ट। कुल टोटल आप देखिए 16 टेस्ट प्लस 12 मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट 28 to 30 आवर्स का टाइम डेडिकेशन आप यहाँ पे, एंड दैट कम्स टू दी 350 आवर्स जो कि हमने बहुत ही कंजर्वेटिवली लिया है, आपके वर्किंग आवर्स को कंसीडर करते लिया है। 350 घंटे में से मैंने आपको एक वैक्यूम भी बताया कि आप सिर्फ अपनी एग्जाम तक आने वाली इन 7 8 छुट्टियों में ही लगभग 100 आवर्स के आसपास का टाइम निकाल सकते हैं। सो इट साउंड्स रियलिस्टिक आप ही के लिए, और इसमें कंटेंट भी कवर हो रहा है, एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, रिवीजन भी आपका कवर हो रहा है और टेस्ट भी आपके कवर हो रहे हैं। एंड आप सोच रहे होंगे सर ये हमारे लिए करना, प्लान करना कैसे 100 घंटे में कंटेंट करेंगे, इसी के लिए ये सीआईबी सुपर इलीट प्लान है। आप अगर ये प्लानिंग नहीं करना चाहते, आपको लगता है सर हमारे वर्किंग आवर्स के बाद हमसे ये प्लानिंग होना पॉसिबल नहीं है, कोई हमारे लिए कर दे तो हम डबल इंक्रीमेंट ले लें, सो हम हैं उसके लिए। आप अगर सुपर इलीट प्लान के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा जब भी ज्वाइन करें एक छोटा सा कोड है PDY, इस PDY कोड को अप्लाई करें, सुपर इलीट प्लान की कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो जाएगी और आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। 100 आवर्स में कंटेंट भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, 120 आवर्स प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे, रिवीजन भी हम आपका करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी हम आपको करवाएंगे, और इसी सिस्टमेटिक तरीके से करवाएंगे कि जिस दिन आप एग्जाम में जाएं तब तक आपकी ये चारों काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपकी रेगुलर वर्किंग लाइफ जो है, वर्किंग आवर्स जो है, उसमें भी आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना आए। वहां से जो भी 1 आध घंटा आप सरप्लस निकालेंगे वो फिर बेनिफिशियल है, उसमें फिर और बहुत सारी चीजें हम क्रिएटिवली कर सकते हैं। इसी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के लिए मैं आप लोगों से आज जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको अप्रोच कर सकूँ। आप इसी यूट्यूब सेशन के एंड में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे और जो भी आपके मन में क्वेरीज होंगी प्रिपरेशन को लेके उन्हें दूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, जुड़िए हमारे साथ सुपर इलीट प्लान में एंड आई गारंटी यू कि हम आपका एग्जाम क्रैक करवा देंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।